सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि आज हम खीरे की फसल में खड़े हैं और खीरे की फसल बहुत अच्छी हो रही है, तो इसमें क्या दवाई का शेड्यूल है और क्या खाद चलता है इसका आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ऑफर भी एक जैसा हो रहा है और इतनी खतरनाक ब्रांचिंग भी आप देख सकते हो, किस कारण से हो रही है वो दवाई भी हम देखेंगे। या आप देख सकते हो हर जगह मुँह है और हर जगह ब्रांचिंग है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी उतनी ज़्यादा जाल भराएगी और इतना ही खतरनाक आपका खीरे का प्रोडक्शन निकलेगा और ख़तरनाक उत्पादन भी निकलेगा। और बम्पर पैदावार के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जो हमारे साथ खीरे की खेती कर रहे हैं। और वहाँ पे हमेशा दो जनी बेल पूरे रोज़ आती है और बेले के जो मुँह रहते हैं वो डेली हमारे यहाँ पर चढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पर अभी आज दवाई डल रही है, तो कौन से डल रहे वो अभी हम देखेंगे। आने दो उनको पास, जैसे कि यहाँ पे अभी दवाई का स्प्रे हो रहा है और हम दवाई देखेंगे कौन कौन सी हमारे खेत में आज दवाई डल रही है। और बहुत अच्छा प्लॉट हो रहा है खेत का और मुझे तो शानदार लग रहा है, मज़ेदार। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दवाई देखेंगे अब हम, जैसे कि हम फर्स्ट में देखेंगे ये ग्रोमोर का, कोरामंडल का ग्रोमोर आता है एनिस्टा 2828 NPK, मतलब 19-19 से कुछ बढ़ के है। तो इसका हम 100 ग्राम पम्प ले रहे हैं इसमें। और इसी के साथ साथ दमन की बायो आर 303 ले रहे हैं, क्योंकि जो भी थ्रिप्स वगैरह सफ़ेद मच्छर इसको कंट्रोल करेगा। इसी के साथ साथ हम ले रहे हैं माइक्रोन्यूट्रेंट्स कॉम्बी ट्यूब कॉम्पो का। और इसी के साथ साथ हम ले रहे हैं बेस फोलर केल्प और इसका भी हम स्प्रे मार रहे हैं। और यह है रेडोमिल गोल्ड जो फंजीसाइड है, तो इसी का आज हमने स्प्रे किया है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार आएगा अभी एक दो दिन में, क्योंकि हम हर बार इन्हीं दवाई का रिज़ल्ट मारते हैं, दवाई भी लेते हैं, दवाई का रिज़ल्ट हर बार हम निकाल लेते हैं और उसी का हम हमारे खेतों में उपयोग करते हैं। तो आपको जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपको खीरे का पूरा हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया, दवाई बताइए। क्योंकि बहुत सारे किसान तो ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं रहता है कि दवाई कौन सी डालनी है अपने खेतों में, तो उसी को किसानों का हित में बात करने के लिए हम वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को खीरे की अच्छी फसल के लिए ये दवाई बताते हैं और उनका लाभ हो और अच्छा प्रोडक्शन निकले। खीरा कैसा लगे वो ज़रूर बताएं। आपके लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ और सारे काम छोड़ के जो भी मैंने 5-10 मिनट में आपके वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद सब्सक्राइब भी नहीं मिले, कमेंट भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो मज़ा नहीं आता और वीडियो बनाने का मन भी नहीं कहता है। अभी इतने दिनों का मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा था, लॉन्ग वीडियो डालता ही नहीं, शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ गाने पे लगा कर। इसलिए हमारे चैनल को अगर हमारा वीडियो अच्छा चलेगा, हमारी लाइक आएगी, सब्सक्राइब आएंगे, तो हम वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी देंगे। राम राम।